कोरोना वायरस संक्रमण ने हर व्यक्ति को परेशानी में डाल रखा है। कई व्यापार धंधे चौपट हो गए या होने की कगार पर है। ऐसा ही हाल शहर के साउंड एवं लाइट से जुड़े कारोबारियों का हो रहा है। ये लोग करोड़ों रुपए के साउंड सिस्टम लेकर बैठे हैं, लेकिन काम नहीं होने से उनकी किस्तें भी चुकाना मुश्किल हो रही है। इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से मांग रखी है कि आगामी नवरात्र और शादियों के सीजन में कम से कम 300 से 500 लोगों की अनुमति दी जाए, जिससे उनका भी व्यापार शुरू हो सके। बता दें कि मध्य प्रदेश देवी अहिल्या लाइट एंड साउंड एसोसिएशन संगठन और इंदौर लाइट एंड साउंड एसोसिएशन संगठन इंदौर अध्यक्ष नितिन सोनी और रूप सिंह पवार ने बताया कि जिस तरह पूरा शहर खोल दिया है, उसी तरह आगामी सीजन में गरबा, शादी व अन्य सामूहिक आयोजनों की अनुमति दी जाए, जिससे लाइट एंड साउंड से जुड़े व्यापारियों का व्यापार शुरू हो सके। आज जो ये मीटिंग रखी गई है, इसके पीछे एक ही कारण है कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और 6 महीने का समय मालूम नहीं था कि किसी के जीवन में बिना काम क्या आएगा, इसीलिए इसकी तैयारी भी नहीं थी। तो अब आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह सब टूट चुके हैं। तो अब वही है कि सरकार से उम्मीद है और उनसे रिक्वेस्ट है कि अब हम सब लोग के काम शुरू करें और हम लोग को भी सम्मान से जीने का हक दे। ये विनती की अतिशीघ्र हमारा कार्य प्रारंभ करें और जो भी गाइडलाइन जारी की जाएगी सरकार के द्वारा, हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। बस हमारा यही छोटा सा निवेदन है। नवरात्रि के लिए यही संदेश है कि नवरात्रि अगर हमारे 500 लोगों की या 1000 लोगों की परमिशन अगर प्रशासन या शासन देता है तो कुछ साउंड सिस्टम वालों का और लाइट वालों का व्यापार चल पाएगा, नहीं तो अन्यथा वो 7 माह से बेरोजगार हैं। अभी तक उनका कोई व्यापार नहीं हुआ है, वो व्यापारी सारे भूखे मर रहे हैं, उनके कर्मचारी सारे भूखे हैं। हमारे साथ में कई सारे व्यापारी बंधुओं ने आत्महत्या की कोशिश की या कोशिश कर चुके हैं और जिनमें सफल भी हुए हैं। मोरबी के एक व्यापारी ने आत्महत्या कर दी है, भोपाल के एक व्यापारी ने आत्महत्या की है, भीलवाड़ा में एक व्यक्ति ने 2 बार कोशिश की है। ऐसे इंदौर में कई सारे लोग हैं जो भूखमरी के कगार पर हैं, वो आत्महत्या जैसे जघन्य कृत्य कर रहे हैं, वो न करें। इसलिए सरकार अगर ऐसे आयोजन की परमिशन नहीं दे सकती है तो इन लोगों के लिए कुछ आर्थिक पैकेज दे दे, जैसे ठेला व्यापारियों के लिए या रेहड़ी वालों के लिए उन्होंने 10,000 रुपये की व्यवस्था की है। ऐसे कुछ साउंड और लाइट व्यापारियों के लिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था, जिसकी उनकी कैपेसिटी है, वो व्यवस्था कर दे ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिले। वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उससे जुड़े कई धंधे और उससे जुड़े लाखों परिवार भी 6 महीने से बेरोजगारी झेल रहे हैं। बैंकों की किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं, अपने दिनचर्या को पूरा करने के आर्थिक साधन भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वह कैसे अपना जीवन जी पाएंगे। 60 करोड़ के साउंड सिस्टम गोडाउन में पड़े हैं, कईयों के पास करोड़ों रुपए के साउंड सिस्टम है जिनकी किस्तें चुकाई नहीं जा पा रही। इस इंडस्ट्री से शहर के 15,000 से अधिक परिवार जुड़े हैं। वहीं अल्पेश शर्मा ने बताया कि साउंड इंडस्ट्री डेकोरेटर, इवेंट मैनेजर, होटल, टूरिज्म, डांस ग्रुप, मेकअप आर्टिस्ट, कपड़ों एवं साड़ियों की दुकान, ऐसे अनगिनत व्यापार है जो केवल एक शादी के साथ जुड़े हैं। तो अगर प्रशासन शादियों, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्यों को अनुमति दे तो हजारों उद्योग शुरू हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिल सकती है। हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और सांसद महोदय जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन मुझे एक बात लगती है कि वो ज्ञापन शायद सही ढंग से पढ़ा नहीं गया, नहीं तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ उस चीज का हल निकल जाता। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि साउंड इंडस्ट्री और हमसे जुड़ी कई इंडस्ट्रियों को शुरू करवाने का अवसर दे या फिर सरकार की तरफ से अनुदान देने की योजना बनाए, जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। न्यूज़ इंडिया N9 ब्यूरो रिपोर्ट।